نحمده على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني असलकम वरह वरक उम्मीद करती हूँ आप सब आफियत होंगी जी आज हमारी अम्मा पारे की नई सूर स्टार्ट होने जा रही है जो हम तजवीज के साथ सीखने वाले हैं वो है सूरतुलब्य सूरतुलब्य मक्की सूर्य सॉरी मदनी सूर है सूरतुलबय और इसका एक नाम सूरतुलबीना भी है और इसको लम्यकुन भी कहा जाता है तो आज हम इसको तज़वीद के साथ सीखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सूरतना बदनिया بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين والمشركين من فكين حتى يوم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا आज हम इसकी चार आयत ही करेंगे सूरतुलबीना की तो आयत नंबर वन है हमारी उसको देखते हैं तजवीद के साथ सबसे पहले है लफ्ज लम लाम को हमें सिंपल मीम से मिलाना है लाम मीम जबर लम आगे है यकू या, या जबर या काफ पेश को यकू नून को लाम से मिलाएंगे नून लाम जेर निल यकू नील लरीना लाम जबर ला दाल या जेर दी रा में देखिए या मद्दा है दाल में नरमी के साथ पढ़ना है जी ऐसे जमाना नहीं है जल्दी से पढ़ना है मतलब नरमी से पढ़ना है और थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि इसमें या मद्दा है लरी नून जबर ना, ना। लम यकू नील फरु का फरु रॉ को पढ़ना है रा को थोड़ा सा खींचेंगे क्योंकि इसमें वा जुड़ा हुआ है कफरु लमयिल फरू मिन अहिल किताबी मीम को नून से मिलाएंगे मीम नून जेर मिन यहाँ पर देखिए नून साकिन के बाद हमजा है अलिफ की शक्ल में तो हम यहाँ पर इजहार करेंगे ठीक है नून की आवाज को जाहिर करके पड़ेंगे मिन, 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 आह लिल कावजेर काव की ता खड़ा जबरता किता बाजेरबी किताबी ताको यहाँ पर खींचना है खड़े हरकत में देखिये यहाँ पर जबर लगा हुआ है ता खड़ा जबरता इसलिए इसको खींचेंगे किताबी का फिन किताबी वाऊ को लाम से मिलाएंगे वल मीम को शीन से वल मुश वल मुशरा जी रा को बारीक पढ़ना है काफी अजिर की इसमें या मद्दा है इसको थोड़ा सा खींचेंगे वल मुश्रिकी की नून जबरना वल मुश्री ना अगर हम ठहरना चाहें तो हम यहाँ पर वक्फ भी कर सकते हैं और वक्फ करेंगे तो नून को साकिन कर देंगे ठीक है ठीक है दोबारा हम वाव से मिला लेंगे वल मुशरीकी ना मीम को नून से मिलाएंगे नून साकिन के बाद फा है तो यहाँ पर हम इखफा करेंगे ठीक है नून की आवाज को छुपा लेंगे मु मुँ फाह को काफ से मिलाएंगे फक जेर की फक की नून जबरना फकीना वल حتى ना को तासे मिलाएंगे तापर वजह से जमा के पढ़ेंगे और खींचेंगे भी क्योंकि खड़ा जबर है हत् हत्ता, हत्ता वलमुश्रीकी देखिए ताको हमजा से हमें मिलाना है यहाँ पर देखिए इसे हम अलिफ नहीं पढ़ेंगे इसे हम पढ़ेंगे हमजा क्योंकि अलिफ पर जब भी कोई हरकत लग जाती है या फिर जश्न लग जाता है तो वो क्या माना जाता है हमजा माना जाता है और हमजा जब हमजा पर क्या होता है जज्म लग जाता है ठीक है हमजा तीन शक्लों में होता है अलिफ या वाओ और जब इस पर जज्म लग जाता है तो ये हमजा साकिना होता है और इसको झटके से पढ़ते हैं तो हम ता को हमजा से मिला रहे हैं अलिफ की शक्ल में हमजा मौजूद है तो इस पे हम थोड़ा सा झटका देंगे ता, ता ठीक है ताजिरती ता, ती अगर देखिए पे जज्म नहीं होता और तो ये क्या जाता सिंपल माना जाता अलिफ और हम इसको थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं फिर ये अलिफ मद्दा बन जाता ता अलिफ जबर ता ताती या हुम लेकिन अभी क्या है जज्म की वजह से ये हमजा बन गया है इसलिए इस पर झटका देंगे ठीक है ताती या हुमुल ताती या हुमुल ताजरती या जबरिया तिया हा पेश मीम लाम पेश मुल हुमुल हत्ता ताती या हुमुल बयीना बई ना को यहां से मिलाएंगे बई या बी नून जबरना बीना और तापिश तू बई है यहाँ पर हम क्या कर देंगे वफ करने का रूल क्या है कि जब गोलता आती है तो उसको हा साकिना में बदल देते हैं हाई साकिना में तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको हा साकिन कर देंगे ठीक है नून हा जबर न ठीक है यहां से देखते हैं ऊपर से आयत नंबर वन لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا من اهل الْكِتَابِ والمشركين والمشركين مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةِ <applause> آية نمبر पड़ना है रॉ सीन वेश को हम मीम से मिलाएंगे लाम नीम पेशलुम यहां पर देखिए लाम पर तनवीन है और आगे मीम आ रहा है ठीक है तो हम यहां पर क्या करेंगे इदगाम ठीक है इदगाम ناقص रसूलुम अल्लाही नून को लाम से मिलाएंगे और यहाँ पर अल्लाह जो है लफ्ज अल्लाह वो पुर पड़ा जाएगा क्योंकि इससे पहले जबर है रसूल मिन या को से मिलाएंगे यत तास आकिन है यहाँ पर तो हल्का सा यत यत, यत ऐसे साउंड आएगी ठीक है लाम वाव पिछलू यू यथ लू।, लू लाम को थोड़ा सा खींचना है वाव मद्दा जुड़ा हुआ है इसमें यत्नु सुहुफम सौते सुहा पे सुहुफा मीम से मिलाएंगे यहाँ पर भी देखिए तनवीन के बाद मीम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इदगाम नाक़े सुहुफम मुतहरा मीम पेश मुतहा जबर तह मुतहा जबर हा मुतहा हा को दो मर्तबा पढ़ना है मुतहा रा जबर रा मुतहा रा रौ। राकुपुर मोतो हा दो जबरतन तन गोलता है यहां पर जब ठहरेंगे तो क्या करेंगे दो जबर को हटा देंगे और गोलता जो होती है वो हाय साकिना में बदल जाएगी तो हम क्या कर देंगे रोह जबर रोह मु तो लास्ट में हा की आवाज चाहिए पूरी आयत देखिए आयत नंबर टू رسول من الله يتلو صحفا مطهرة آية نمبر 3 ديكيه فيها كتب قيمة فيها فايا في في میں فيها कुतुबुन काफ पेश कु ता पेश तू कुतु बादो पेश बुन यहाँ पर देखिए तनवीन के बाद काफ है तो यहाँ पर क्या होगा इख्फा होगा ठीक है कुतुबुन कुतुबुन कयीमा काफ या जबर कयी या जरिये कयी कयी मीम जबर मा कयीमा तादो पेश तुन कयीमा तुन कयीमा तुन यहाँ पर बोलता है इसको भी हम हाय के नामे कर देंगे मीम हा जबर माह कई माह बढ़ते हैं और वो इल्ला इल्ला

म को मीम से मिलाएंगे यहाँ पर देखिए नून साकिन का इकलाब होगा नून साकिन के बाद जब बा जाता है तो नून की आवाज को मीम से बदलकर पढ़ते हैं गुन्ना और अख्फा के साथ ठीक है हाफ गुन्ना हाफ इकफा आदि ما جاء اتهم الم م الف زبر ما ج الف زبر جا देखिए यहाँ पर मध्य متصل होगा ठीक है हमजा जो है उसी कलमे में आ रहा है इस वजह से चार अलिफ के बराबर खींचेंगे ما جاء اتهم الاتهم البين ات تا को हम हमजा को ता से मिलाएंगे अत

सदीम आज हमने सूरत अलबैना की चार आयात सीखी है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे की आयात सीखेंगे ये चार आयात हैं आपके होमवर्क के तौर पर इनको याद कीजिए कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मालूम कर सकती हैं दुआ पढ़ लीजिए सुबह नशहदुल्लाक असल वरम्ह वरकू